हाँ जी असि इत्थे खड़े हैं जी अड़ी साहब इत्थे गुरु तेग बहादुर जी का घोड़ा अड़ी पिया सी उदू बाद संत भगत राम सीगे उन्होंने कहा भी तुसी इत्थे भगती करो आ समाध बना के उन्हें भगती की जी पहला इत्थे मत्था समाध ते टिकदा जी द्वार साहब है। हाँ जी फ्रेंड्स अज असी गुरुद्वारा अड़ीसर साहब विखे आए हैं इतने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का घोड़ा अड़ी पै गया सी 2-3 किलोमीटर दूर तंबाकू की खेती कारण गुरु साहब जी ने इस जगह ते अंदर थोनू दिखावांगे जिहड़ी समाध उस समाध के उपर घोड़ा अड़ी पिया सीगा ठीक है अते गुरु साहब जी ने वचन किए सन जेड़ा इत्थे सुखना सुखेगा उसकी सुखना पूरी होगी। गुरुद्वारा अड़ीसर साहिब का इतिहास गुरुद्वारा अड़ीसर साहिब पातशाही नौवीं 1722 हंडियाया पौ दे महीने श्री गुरु तेग बहादुर जी पक्के गुरु सर आए पक्के गुरु तो कच्चे गुरु सर आए कच्चे गुरु सर तो चल के इस स्थान ते आए पिंड धोलगी जो सी के गुरु साहिब जी का घोड़ा अगे ना तुरिया पर गुरु साहिब जी नूं संगत ने पुछया घोड़ा अड़ी पै गया है ये की कारण है। गुरु साहिब जी ने संगत नूं दस्सिया कि घोड़ा अड़ी पै गया है इत्थे तुर्क मुसलमान जिमीदारां दा तंबाकू दा खेत है किसी समय भी गुरु दे सिख होणगे अते गुरु घर की सेवा करिया करनगे जो भी सर तुहानूं सुखा सुखणगे उन्हां दे अड़े कम समरणगे अते कार्ज संपूर्ण होणगे ये वचन कह के गुरु साहिब इस स्थान तो सोहेवाला साहिब चले गए ते साहिब सेवा जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी अते जथेदार बाबा करनैल सिंह जी ने 24 दिसंबर 1997 दिन बुधवार नूं आरंभ करवाई गुरुद्वारा धौला हंडाया प्रबंधक कमेटी कोडे कोठे चुगा। यह समाध है बाबा भगत सिंह जी की जिन्हां दी सुखना पूरी हुंदी है ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੱਖ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।